यूपी के आजमगढ़ जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में निजामाबाद तहसील के खिरवा ग्राम में मुसहर जाति के लोगों की आबादी वाली जमीन को अन्य ग्राम सभा के लोगों के नाम से पट्टा कर उनके मकान को प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। इस दौरान डीएम को 4 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि उनकी शासन प्रशासन से मांग है कि तत्काल वनवासी समाज के लोगों के मकान का ध्वस्तीकरण रोका जाए, उनके ध्वस्त किए गए मकानों का मुआवजा तत्काल दिया जाए, दूसरे गांव के लोगों को किया गया जमीन का पट्टा तत्काल निरस्त किया जाए, दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो इस दशा में कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।